तो एक महामंत्र को निर्गुण फरमाए से एक निर्गुण सुन लीजिए, उसके बाद फिर नाटक सुन लीजिए। लकड़ी जल कोयला भयो, लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भरा, मैं अभागिनी ऐसी जली ना Ah!
मनुष्यों के एक कैसे पैदा फरमाते हैं। मैं उन महासचिव को तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चौपाई में लिखे हैं तब जो मुख राम है राम नहीं आवा मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। तब हरि के नाम जपल प्यारे हरि जीवी पा कर
अर्थ गवाना ना चाहिए। अब भाज माना राम रघुराई सरिया कर जाए। भाज माना राम रघुराई सरिया माया के बाजार है, माया के बाजार में कहा गया कि भगवान तेरा भेद कोई जानता नहीं, और तू सबके दिल में है कोई पहचानता नहीं। मंत्री न उसका है कोई, न कोई सभा करता है, उनका तो अलग रूप है, वो सबको लखा करते हैं। देखा कर्म के अनुसार तुलसी बाबा लिखे कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जैसे कर ही वही फल चाखा। तो मैं चलता हूँ हस्तिनापुर। मैंने सुना हूँ हस्तिनापुर में स्वयंवर लग चुका है, वहां पर देखूंगा कौन कौन ऋषि महात्मा मुनि लोग राजा लोग आए हुए हैं। चल के मैं उनसे दर्शन करूंगा और मैं भी उस स्वयंवर में स्वयं भाग लूंगा। चलते चलते कुछ दूर चले आओ, पता लगाना पड़ेगा हस्तिनापुर यहाँ से कितना दूर है। नारायण नारायण नारायण।
अलख निरंजन नारायण नारायण। मैं कब से मैं अलख जगा रहा हूँ, कोई दरबार में है या नहीं है अभी कोई पता नहीं। नारायण नारायण। प्रधान तो गोस गोस एक बात याद आ गया, तजे जे जैसन जैसन करिहाना खेती, जे जे जैसन जैसन करिहाना खेती, माया ब्रह्म के लिखानिया न मिटी। हमरा काम इतना ना मिलता है ना बाबा। अच्छा अरे सुनो क्या बात है, सुना हो इस हस्तिनापुर में स्वयंवर लगा है। हां बाप रे बाप, तो चलिए महारानी से भेंट कराइए और मुलाकात कराइए। ठीक है चलिए ठीक है। प्रणाम मलकिनी। मस्त रहो द्वारका मलकिनी जी, बोलो। आए तो बहुत खुशी के बात है, नारद भगवान जी आए हैं। अरे नारद भगवान, ओ नारद भगवान जी आए हैं। हमरा तो बुझल है ना मलकिनी भगवान जी आए हैं। आओ ठीक है चलो, कहां ठीक है चलो चढ़ा रहा तो भोके लगा। अश्वान भवा कल्याण हो महारानी जी की, जय हो जय हो महारानी जी। बाबा मैंने सुना हूँ आपने स्वयंवर लगा चुके हैं। हाँ आप तो ये बात सही सुनी, बहुत खुशी की बात है। इस स्वयंवर में मैं भी भाग लेना चाहता हूँ, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है बाबा। खटखट बंद कीजिएगा महारानी जी, तो स्वयंवर चालू हो गया है अन्यथा अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है तो ठीक है, स्वयंवर को शीघ्र ही चालू कीजिए
और हमारे पास में एक जयमाला है, मैं आपको एक जयमाला दे रहा हूँ। ये जयमाला कैसी जयमाला है? और ये जयमाला बहुत बेशकीमती जयमाला है। आपकी बच्ची अपनी मन पसंद से जिनको गले में माला डालेंगे वही उनका वर होंगे। अच्छा से समझा बुझा करके अपनी बच्ची को ये जयमाला दीजिए। ठीक है महाराज, समझा दूंगी। आप स्थान ग्रहण करें। ठीक है, द्वारपाल और हमारे आगे स्वर्गीय फेकू पासवान और स्वर्गीय गिरजा देवी के भगना के तरफ से 501 रुपया के पुरस्कार और लखिंदर पासवान जी के तरफ से सराय दामोदर की तरफ से 501 रुपए के पुरस्कार में तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मरवल्ला को परम धाम की प्राप्ति हो। सहेली सब जी बोलिए। आज कुछ मालूम है? मालूम तो नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? पूछो।